ईद को लेकर बाजारों में काफी रौनक बढ़ गई है। बाजारों में इतनी भीड़ हो गई है कि चलने को स्थान नहीं मिल पा रहा है। लोग कपड़ों व सजावट के सामान खरीदने में व्यस्त हैं। ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा ने कहा है कि ईद के मद्देनजर नो एंट्री के समय में फेरबदल किया जाएगा एवं रफ ड्राइविंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वे न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। वो हम लोग अभी इसीलिए डिस्कस करने आए थे उपायुक्त महोदय से और अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कर रहे हैं। आपको शाम में बताया, कल तो नो एंट्री रहेगी लेकिन कब से कब तक रहेगा इसकी निर्णय हम लोग शाम में बैठ के बदलाव किया जाएगा। बदलाव तो होगा ही, जो हर साल होता है उस साल भी होगा। ईद के अवसर पर कल ईद को लेकर के क्या ट्रैफिक? हाँ, तो ईद को लेके ट्रैफिक के जो है भेवी भाई कुल के वाहनों के समय में जो है शहर में परिवेश में बदलाव होगी। टाटा मोटर्स के अधिकारी ब्रजेश सहाय हत्याकांड का उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने एसएसपी को बधाई दी है। एसएसपी को बधाई देने पहुंचे टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने कहा कि देर से ही सही पर जिला पुलिस ने ब्रजेश सहाय के हत्यारों को पकड़कर सराहनीय कार्य किया है। हालांकि मीडिया से बातचीत करने से वे परहेज करते रहे। मालूम हो कि जिला पुलिस ने टाटा मोटर्स के अधिकारी ब्रजेश सहाय की हत्या में शामिल गिरोह के सरगना समेत चार अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। एक अफसर का घटना हुआ था, उसी के बारे में केस को सॉल्व कर दिया था।